आपका एक बयान काफी चर्चा में रहा देश भर में वसुंधरा राजे को लेकर, क्या उसका भावार्थ क्या था सर, क्या आप बताना चाह रहे थे जो वसुंधरा जी ने? देखिए वो गलत तरीके लिया गया। वसुंधरा जी के हमारे 15 साल तक टॉकिंग टर्म नहीं रहे हमारे, जब से 2003 में वो हमारी सगाई चली गई उसके बाद में उनके एडवाइजर ऐसे थे कि वो टॉकिंग टर्म रखने दी ही नहीं उन्होंने। अब जाके हम लोग कभी कभी बात करते हैं, वही कोई फंक्शन में मिल गए तो ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरे भावार्थ ये था जो आप सुन लीजिए कि जब सरकार जा रही थी, सुनिए आप, इम्पोर्टेंट बात है पूरे कंट्री के लिए, भैरवसिंह शेखावत जो थे मुख्यमंत्री वो क्यूवलैंड गए थे, बीमार थे, जब इनकी पार्टी लोगों ने सरकार टॉपल करने के लिए षड्यंत्र किया था, मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास आए थे वो सहयोग मांगने के लिए। जैसे कि अभी हमारे वक्त में जो टॉपल करने का षड्यंत्र हुआ था पार्टी के अंदर ही, वो उस वक्त हुआ था, उस वक्त में जो है मैंने मना किया, कहीं गलत है, एक मुख्यमंत्री बीमार गया इलाज कराने के लिए हार्ट का, वहां सीरियस भी है वो, तुम पीछे गवर्नमेंट टॉपल कर रहे हो, मैं आपका साथ नहीं दूंगा। ये बलिराम भगत जी जो गवर्नर थे तब की बात है। अभी जब मौका आया ये हमारा वहां जब ये क्राइसिस होने लगा, तब कैलाश मेघवाल जो है वहां के स्पीकर रहे, बड़े सीनियर नेता, गृह मंत्री रहे बीजेपी के, उनका स्टेटमेंट आया था कि भाई ये हमारे यहाँ परंपरा नहीं रही है। उन्होंने याद किया भैरव शेखावत द्वारा मेरी भूमिका को, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं रही है, उससे हमें फायदा मिला। वही भाव वसुंधरा जी का मैंने खुद मुझसे नहीं सुना, पर जो मिलते हैं मेरे आपस के अंदर लॉबी के अंदर भी, तो बात तो करते ही करते हैं, तो उनमें से किसी ने कहा भाई वसुंधरा भी चाहती थी ऐसी परंपरा का भी टॉपर रहने की, हॉर्स ट्रेडिंग की रास्ता में रही नहीं है, ये मैंने कहा था। पर मीडिया तो मीडिया है कि मेरी सरकार को बचाया वसुंधरा जी ने बचाया, हेडलाइन बदलते ही भाव बदल जाते हैं। सर, कल विपक्ष के जितने नेता आपके मंच पे होंगे 2024 के चुनाव में, वो सभी आपके सहयोगी साथी होंगे, ये मानकर चला जाए? देखिए मैंने फिर आपको कहा, अब ये प्रोसेस शुरू हुआ है, वक्त बताएगा किस प्रकार से सब लोग साथ आते हैं। तक बात डिसिप्लिन की है तो मापदंड सबके लिए बराबर है ना। अब जो हमारे साथी विधायक उस समय इस्तीफा दिए स्पीकर को, क्या सरकार संकट में नहीं आ गई थी? हम जब दिल्ली गए थे बात रखने के लिए, हम में से किस साथी ने इस्तीफा दिया? हमने कब पार्टी के खिलाफ बात रखी? सोनिया गांधी जी के खिलाफ। 25 सितंबर को जो हुआ वो सबके सामने है, उसके बाद जो हुआ वो भी सबके सामने है। तो ये कहना कि अनुशासन और पार्टी डिसिप्लिन सिर्फ एक पे लागू होता है दूसरे पे नहीं होता, ये बात गलत है। और पार्टी ने जो भी निर्णय अब तक लिया उसका सबका मैंने सम्मान किया है। जब पार्टी ने लगा कि मुझे पद पे नहीं रहना है अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के, तो हमने इसको स्वीकार किया। हमारा दिल्ली में स्वर्गीय अहमद पटेल जी बाकी नेताओं से चर्चा होने के बाद एक रूपरेखा तैयार हुई थी, कमेटी बनी थी, और ये कमेटी AICC ने बनाई थी, किसी छोटे मोटे नेता ने बनाई थी। कमेटी का स्वरूप तैयार हुआ, हमारा रोड मैप तैयार हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम सब ने काम किया, हर चुनाव में प्रचार किया, भाजपा को परास्त किया, उपचुनाव में काम किया, कांग्रेस के लिए मेहनत करी, चाहे विधानसभा की वोटिंग हो चाहे राज्यसभा की वोटिंग हो, हर जगह कभी भी किसी को मौका नहीं दिया कि हमने पार्टी लाइन से एक इंच भी दाएं बाएं करने का काम किया है। लेकिन 25 सितंबर को जो हुआ वो तो इतिहास में पहली बार हुआ है, कांग्रेस पार्टी के इतिहास में पहली बार हुआ कि कांग्रेस अध्यक्ष के जो नुमाइंदे जा रहे हैं उनकी अवमानना हो, उनको बेइज्जत किया जाए, जलील किया जाए और मीटिंग ना हो और उनको खालिया लौटा दिया गया। फिर नोटिस इशू हुए, उन नोटिस का भी कुछ अभी तक हुआ नहीं। तो पार्टी डिसिप्लिन सिर्फ 2-5 लोगों पे नहीं है, पूरी पार्टी पे लागू होता है, और कोई किसी भी संगठन से बड़ा नहीं है, चाहे कोई किसी पद पे हो या ना हो, पार्टी सबकी बराबर है। तो मुझे लगता है कि इस बात का भी संज्ञान लोगों को लेना चाहिए।